सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वाधान में शिक्षा मित्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा मित्रों को पुनः समायोजन शिक्षा मित्र शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति योजना में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए उनके भविष्य को संरक्षित किया जाए। नियमितीकरण समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक शिक्षा मित्रों को 12 माह 62 साल तक जीवन यापन वेतन दिया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों निराकृत हो चुके नियुक्ति टेट पास शिक्षा मित्रों सीधा अब अध्यापक पद पर नियमित किया जाए आदि मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष इंद्रजीत यादव महामंत्री यशवंत सिंह जिला संरक्षक श्याम नारायण त्रिपाठी समेत सैकड़ों शिक्षा मित्र रहे। ज्ञापन में कहा गया कि 22 वर्षों से शिक्षा मित्र कार्य कर रही हैं। शिक्षा मित्र 11 माह का 10,000 प्रति माह मानदेय मिलता है, जिससे मानसिक आर्थिक रूप से परेशान 15,000 शिक्षा मित्र की मौत हो गई। मुख्यमंत्रियों को दिए ज्ञापन में शिक्षा मित्रों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। कौन सा प्रोग्राम था आप लोग? देखिए, हम लोग पिछले जो है 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के बैनर तले प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बिफोर दाऊद सपा लखनऊ में बैठक किए थे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य सिंह कुमार सपला जी के नेतृत्व में, और लगातार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद जो भी आपका समस्या होगा उसका निस्तारण हम लोग सरकार में हैं और सरकार में उत्तर प्रदेश में आएंगे करेंगे। उसको लेकर के विगत 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार से वर्तमान में आदरणीय योगी आदरणीय आदित्यनाथ जी के सरकार में हम लोगों ने मांग पत्र रखा, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र जो है हम लोगों ने रखा। पहला हमारा है शिक्षा मित्रों को नियमावली में संशोधन करके पुनः समायोजित नियमित किया जाए। दूसरा है नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए। तीसरा है नियमितीकरण के समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 12 माह 62 वर्ष तक का जीवन यापन लायक वेतन दिया जाए। चौथा मांग पत्र हमारा है मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को आयुक्त सहायता राशि दे राशि व उनके आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान की जाए। पांचवा मांग है प्रदेश के TET पास शिक्षा मित्रों को नियमावली में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पदों पर नियमित किया जाए। इन सब 5 सूत्री मांग पत्र को हम लोगों ने भी पिछले प्रदेश के प्रत्येक BRC मुख्यालय पर ब्लॉक मुख्यालयों पर हम लोगों ने बैठक करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है। उसके क्रम में आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी को हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। और इस पर भी अगर सरकार हम लोगों के समस्याओं को निस्तारण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की तो आगामी 11-12 जनवरी को लखनऊ में हम लोग इको गार्डन पार्क में फिर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा, धरना प्रसंग किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और उनसे मांग किया जाएगा, संस्कार में रख करके उनसे मांग किया जाएगा शांतपूर्ण तरीके से कि हम लोगों का समस्या का समाधान कीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के या भारत सरकार के। इतने भी शिक्षा संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं, हम सबका पालन करते हैं, आगे भी पालन करते रहेंगे। इसी के साथ 9 वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक